नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। पौराणिक मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति वर्ष भर कोई व्रत उपवास नहीं रख सकता, वह व्यक्ति शिवरात्रि के दिन अगर व्रत रखता है तो उसे पूरे वर्ष के व्रतों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। शिवरात्रि पर चार प्रहर की पूजा अत्यंत फलदायी होता है। शिवरात्रि पर चार प्रहर की पूजा से सभी प्रकार के कामना पूर्ण होती है। दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि महाशिवरात्रि का व्रत करने वाले साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जगत में रहते हुए मनुष्य का कल्याण करने वाला ये जो महाशिवरात्रि के व्रत है, ये कल्याण करने वाला कहे गए और जगत में रहते हुए मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। और इस व्रत को रखते महाशिवरात्रि के व्रत को रखते हैं तो साधक के सभी दुख पीड़ा ये सब का अंत होता है तथा मनोकामना की पूर्ति होता है। तो शिव जी की साधना से धन्य धन्य सुख सौभाग्य और स्मृति ये सबकी प्राप्ति होता है, कुछ भी चीज की कमी नहीं होती। और दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और देवी माता पार्वती का मिलन हुआ था। इस दिन भगवान शिव ने वैराग्य जीवन को छोड़ करके माता पार्वती के साथ में विवाह किया था और गृहस्थ जीवन को अपनाया था। और दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है इस दिन भगवान भोलेनाथ निराकार रूप से साकार रूप में प्रकट हुए थे, अर्थात निराकार रूप से लिंग रूप में मूर्ति रूप में प्रकट हुए थे। इसी वजह से हर वर्ष फाल्गुन महीने के चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि के पर्व के नाम से हम सब मनाते हैं। महाशिवरात्रि का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व होते हैं। वैसे तो कई रात्रि होते हैं लेकिन महाशिवरात्रि सबसे विशेष स्थान रखता है, क्योंकि नाम से स्पष्ट है महाशिवरात्रि। महा का अर्थ होता है महान, शिवरात्रि का अर्थ होता है भगवान भोलेनाथ की रात्रि, तो ये महान भोलेनाथ भगवान शिव जी की रात्रि है। तो आज की जो वीडियो है बहुत ही सुंदर है कि महाशिवरात्रि कब है 2023 में, पूजन का शुभ मुहूर्त कितने बजे तक पूजा करें, पूजा में क्या चढ़ाएं और रात्रि जागरण का महत्व, अगर ये सब जान लें तो बिल्कुल आप भी रात्रि जागरण करना शुरू कर देंगे। तो कब मनाई जाएंगी महाशिवरात्रि? तो हिंदू पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि का त्यौहार शनिवार 18 फरवरी को रात 8:03 में प्रारंभ होगा और इसका समापन रविवार 19 फरवरी को शाम 4:19 में होगा। चूंकि महाशिवरात्रि की पूजा निशिता काल में की जाती है, इसलिए यह त्यौहार 18 फरवरी को ही मनाना उचित होगा। महाशिवरात्रि 2023 पूजा का शुभ मुहूर्त। देखिए, शिव भक्त महाशिवरात्रि के दिन सुबह से ही भोलेनाथ की पूजा करना प्रारंभ कर देते हैं और महाशिवरात्रि पर शिवालय में आपने देखा होगा बहुत ज्यादा भक्तों की भीड़ होती है। तो दोस्तों, चार प्रहर की शिवरात्रि में पूजा का महत्व होता है। तो चलिए मैं आप लोगों को बता दूं चार प्रहर कौन कौन सा है। तो देखिए, पूजा का जो प्रारंभ समय 6:13 में शुरू हो जाएगा, ठीक है, 18 फरवरी को। तो महाशिवरात्रि के चार प्रहर कहे गए हैं। अगर कोई व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन चार प्रहर में भगवान भोलेनाथ की पूजा कर ले तो ये देव तुल्य हो जाते हैं, स्वयं भगवान इंद्र जैसा तुल्य हो जाते हैं, इंद्र के जैसा तुल्य हो जाते हैं। तो महाशिवरात्रि की प्रथम जो प्रहर की पूजा के शुभ मुहूर्त है वो है, जान लीजिए, तो शाम 6:13 से रात 9:24 तक रहेंगे, ये प्रथम पहर की पूजन का शुभ मुहूर्त है। इसके बाद महाशिवरात्रि की द्वितीय पहर का, दूसरे पहर का पूजा का शुभ मुहूर्त है रात 9:24 से रात 12:35 के बीच में आप पूजा कर सकते हैं, ये दूसरे पहर का मुहूर्त है। शिवरात्रि के तीसरे पहर के शुभ मुहूर्त है 12:35 से अगली सुबह 3:46 तक, ये तीसरे पहर का पूजा का शुभ मुहूर्त है। इसके बाद महाशिवरात्रि के चतुर्थ पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त जान लीजिए, तो 19 फरवरी सुबह 3:46 से 6:56 तक ये पूजा का शुभ मुहूर्त है। और महाशिवरात्रि के दिन निशिता काल ये पूजा का शुभ मुहूर्त है 18 फरवरी रात 12:09 से रात 1 बजे तक, ये निशिता काल है पूजा करने का शुभ मुहूर्त। तो महाशिवरात्रि 2023 के दिन पारण कितने बजे करें, क्योंकि आप तो उपवास व्रत रखेंगे लेकिन इसके पारण का शुभ मुहूर्त जानना भी जरूरी है। तो जो लोग 18 फरवरी को महाशिवरात्रि का व्रत रखेंगे वे लोग 19 फरवरी को सुबह 6:56 से दोपहर 3:24 के बीच में पारण कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर क्या चढ़ाएं जिससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो और सभी प्रकार के कामना पूर्ण हो, आइए इस वीडियो में जानते हैं। इससे पहले सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय
हर हर महादेव जरूर लिखना। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये मेरा चैनल नहीं बल्कि आप सभी दोस्तों का चैनल है। प्राचीन ज्ञान एक यूट्यूब चैनल नहीं, आप सभी दर्शकों का परिवार है। तो महाशिवरात्रि के दिन क्या चढ़ाएं? तो महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर, अगर महाशिवरात्रि पर आप किसी भी जाकर के अच्छे मंदिर की शिवलिंग पर गाय के कच्चे दूध से भगवान भोलेनाथ को स्नान करा देते हैं तो इसे विद्या की प्राप्ति होती है। क्या की प्राप्ति होती है? विद्या की प्राप्ति होती है। जो बच्चे पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं ऐसे व्यक्ति ये चढ़ाते तो उनकी बुद्धि तीव्र होती है। अगर इस दिन भगवान भोलेनाथ को गन्ने का रस चढ़ाते हैं, गन्ने का रस का स्नान कराते हैं तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी अर्थात धन की प्राप्ति होती है। और अगर इस दिन भोलेनाथ को शुद्ध जल से स्नान कराते हैं तो सभी प्रकार की इच्छा की पूर्ति होती है। जो भी मन में इच्छा हो, अधूरी इच्छा पूर्ण नहीं हो पा रही, वह इच्छा पूर्ण होती है। भगवान भोलेनाथ को इस दिन अगर बेलपत्रा, अक्षत, दूध, फूल और औल का फल ये चढ़ाते हैं तो इसे बहुत शुभ माने जाते हैं। दोस्तों ऐसा माना जाता है शिवरात्रि पर शिव जी की आराधना करने से समस्त मनोकामना की पूर्ति होती है। इस दिन व्रत का बहुत ज्यादा महत्व होता है, तो इस दिन अगर आप व्रत रखे हैं तो आंकड़े का फूल और बेल के पत्ते ये शिवलिंग पर जरूर चढ़ाना। अगर आप चढ़ाते हैं तो आपकी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती होती, जन्म जन्मांतर के पाप एवं दोष ये दूर होते हैं। इस दिन हो सके तो आप जो है जनेऊ ये भगवान भोलेनाथ को जरूर चढ़ाएं। आप चाहे तो इस दिन अक्षत चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप करें। और भगवान भोलेनाथ की पूजा में भांग, धतूरा और जितने भी ये जहर चीज कहे गए, जहरीले चीज कहे गए, ये ज्यादा से ज्यादा चढ़ाने की कोशिश करें। जैसे धतूरे का पुष्प है, धतूरे का फल है, धतूरे के जड़ हैं, भांग के पत्ते हैं या फिर गांजा है, जितने भी ये सब तामसिक चीज कहे गए ये भगवान भोलेनाथ को अगर आप अर्पित करते हैं तो बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। इसके बाद जानते हैं महाशिवरात्रि में रात्रि जागरण का महत्व, तभी तो आप रात्रि जागरण करेंगे। तो महाशिवरात्रि पर रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है। कैसे महत्व होता है? रात्रि अंधकार का प्रतीक है। अगर हम शिव तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे अंदर जो अंधकार है, जो रात्रि है, जैसे कि काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये सबको खत्म करना है। तो जो व्यक्ति चार रात्रि प्रहर जागते हैं महाशिवरात्रि के दिन, चार पहर, अगर गलती से भी अगर आप महाशिवरात्रि के दिन चार पहर रात्रि जागरण कर लेते हैं तो आप शिव तुल्य हो जाते हैं, सब पाप आपके क्षमा कर दिए जाते हैं। और ऐसा भी माना जाता है आपकी कोई भी शेष मनोकामना हो, जो मनोकामना पूर्ण नहीं हो पा रही है, आपने अथक प्रयास किए, कठिन प्रयास किए, प्रयास करने के बाद भी आपकी वह मनोकामना पूर्ण नहीं हो पा रही है, इच्छा पूर्ण नहीं हो पा रही है, आपकी गरीबी मिट नहीं पा रही है, या फिर जीवन में कोई बीमारी है, तकलीफ है, समस्या है, आप इनसे उबरना चाहते हैं, इनसे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो महाशिवरात्रि के दिन रात्रि जरूर जागरण करें। भगवान भोलेनाथ दिन की पूजा से जितने प्रसन्न नहीं होते, उतने रात्रि में अगर आप रात्रि जागरण करते हैं और भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र धतूरे चढ़ा देते हैं, केवल रात्रि बस जागरण करते हैं तो उससे प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर आपके जितने भी मनोकामना है, जितने भी मनोरथ है, वह मनोरथ आपके बिना पूछे ही भगवान भोलेनाथ पूर्ण कर देते हैं। तो लोग इसे चाहे तो महा जो शिवरात्रि बोलते हैं, महादिन की रात्रि भी बोल सकते हैं, महादिन भी बोल सकते हैं, ऐसा क्यों नहीं बोले? क्योंकि महाशिवरात्रि में रात्रि का महत्व होता है। रात्रि के प्रहर में ही भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। रात्रि के समय में ही भगवान भोलेनाथ जो है निराकार रूप से साकार रूप में प्रकट हुए थे। इसलिए रात्रि जागरण का, रात्रि में भगवान शिवलिंग के, भोलेनाथ जी के शिवलिंग की पूजा का बहुत महत्व होता है। तो रात्रि जागरण करें, रात्रि जागरण से पाप मिटते हैं, शनि के दोष समाप्त तो होते हैं, जीवन में जो दोष हैं वह दूर होते हैं, और जो व्यक्ति निर्दोष रहे ऐसे व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा सफलता को प्राप्त करते हैं। तो आशा करता हूं कि महाशिवरात्रि के बारे में जितने भी मैं आप लोगों को जानकारी बताएं कि महाशिवरात्रि कब है, पूजन का शुभ मुहूर्त है, कितने बजे तक पूजा करें, पूजा में क्या चढ़ाएं, रात्रि जागरण का महत्व, ये जानकारी आपके जीवन में मंगलमय एवं कल्याणकारी साबित जरूर होंगे। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में डाउट रहेंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो हम जल्द जुड़ते हैं आप सभी से किसी नए और एक अच्छे जानकारी के साथ। आज की जानकारी को यहीं पे समाप्त करता हूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।